रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप जा कहीं रहे, जिस मुल्क में रहें, जिस गली में रहें, जिस शहर में रहें, जिस गली में रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो मैंने वीडियो कर दिया आगाज़ और आपने रहना मेरे साथ साथ। आपको मुहर्रमुल हराम का पहला जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह ताला इस पाक महीने के सदक़े शुहदाए करबला अहले बैत के सदक़े हमारी तमाम मुश्किलात आसान फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। और इस महीने मुबारक महीने में खूब नज़र न्याज कीजिए, खूब उनके नाम का लंगर दीजिए, सबीले लगाइए, खूब लोगों को खाना खिलाइए, सबका जारिया बनिए। तो जी हाँ, तो ये है, देखें जी, ये है हलीम। ये रात को भाभी ने भेजी थी, ये मेरी भाभी ने बनाई है हलीम, बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए कितनी प्यारी है इसकी, देखें ज़रा, ठीक नहीं, देखिए कितनी प्यारी है इसकी, ये देखें। और साथ में हैं पराठे, जी हाँ, ये पराठे हैं साथ में। तो मैंने कहा चले भाई, आपको आज सुबह का नाश्ता आज फिर से शेयर करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर रूटीन का व्लॉग हो जाए तो नाश्ते से ही शुरू होता है। तो मैंने कहा चले नाश्ते से ही शुरू किया जाए। तो ये देखिए जी, आपने रहना मेरे साथ साथ और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं और वीडियो को शेयर और लाइक करना है ज़रूर। और अपनी प्यारी सी उंगली को ज़हमत देकर लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह है नहीं, नहीं अभी तो शुरू हुई है। तो आपने रहना मेरे साथ साथ नाश्ते को देख के ना जब वो ना बस। चलिए जी, आसिफ ने तो शुरू कर दिया नाश्ता, तो हम भी नाश्ता शुरू करते हैं जी। क्या हुआ, अब ठंडा पानी निकाला मैंने, ठंडा पानी, मैं नाश्ते से पहले ज़रा ठंडा पानी पीती हूँ। सेवन अप यानी कि निकाले मेरे लिए सेवन अप। व्यूअर्स, जुम्मे की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और अब मैं सोच रही हूँ कि आपको मौसम बाहर का नज़ारा करवाऊँ। देखिए कितना अंधेरा है, और अभी टाइम हुआ हुआ है 3 बजे का। तो ये देखें जी, यहाँ पे तो माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मैं बता ही नहीं सकती। तो ये देखें जी, मैं आपको बताती हूँ बाहर के नज़ारे करवाती हूँ। ये देखो जी बाहर के नज़ारे, ये देखें जी, ये देखें जी, ये कोई अंकल लच्छे बेच रहे हैं। और ये देखें जी, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखें आसमान पर बादल छाए हुए, तारे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो यहाँ ये देखें जी, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। ओहो, दिलचारा बाहर ही निकल जाऊँ, बच्चों की तरह इंजॉय करूँ, खूब मज़े उड़ाऊँ और बहुत ही मज़े करूँ। और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही ही है। ये देखें जी, परिंदे भी देखें आसमान पे उड़ रहे हैं और शोखियाँ कर रहे हैं। मैं भी एक परिंदा होती तो बहुत ही मज़ा आता आसमानों पर उड़ के। तो मैं उड़ना चाहती हूँ आसमानों पर, जी हाँ, आसमान पर जाना नहीं चाहती, उड़ना चाहती हूँ। चले जी, मैंने कहा चले आपको नज़ारा करवा दूँ बाहर का। ये देखें जी, इस गली के में भी देख लें आप, आगे भी माशाल्लाह से। और ये सामने शमसी सोसाइटी, एक दिन मेरा भी यहाँ पे घर होगा और माशाल्लाह एक गाड़ी भी खड़ी होगी इंशाल्लाह। तो चलें जी, ये है शमसी सोसाइटी, ठीक है, ये है हमारी गरीबों की सोसाइटी जहाँ पे थोड़ों के ढेर लगे हुए हैं, साथ ही शमसी सोसाइटी है। ये देखें जी, सोसाइटी कितनी साफ सुथरी, 24 घंटे जमादार को 24 घंटे यहाँ पर सफाइयाँ होती रहती हैं। तो ये देखें जी, स्टैंडर्ड के इलाकों की बात ही कुछ और है अपनी। तो चलें जी, कोई बंद ही कर देते हैं दरवाज़ा। अब चलती हूँ मैं अपने रूम में और कुछ मैं अल्लाह तौबा भी कर लूँ, लेकिन मुझे भूख लग रही थी। तो जैसा कि आपको पता, मेरी एक दोस्त है बहुत ही अच्छी, तो उसने वो पुलाव बनाया था, तो कहने लगी कि मैं वो इस वजह से दे देती, मैं अकेली होती हूँ। उसने बोला क्या बनाओगी तुम खाना, वैसे तो मैं दोपहर में खाती नहीं हूँ, लेकिन ये कि अब इतने प्यार से किसी ने भेजा है तो बंदा खाएगा तो नहीं तो और क्या करेगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का आलू वाले चावल बनाए, नहीं आलू बेटे, नहीं हाँ आलू वाले चावल बनाए जी, जी हाँ। ये देखिए आलू के चावल बहुत ही मज़े के हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो ये देखें जी, आपके मुँह में पानी आ रहा है ना, जी हाँ मेरे भी आ रहा है। चले मैं खा के आपके साथ फिर शेयर करती हूँ अपनी रूटीन, और फिर मैंने लेकिन उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ूंगी। पहले मैं सोच रही हूँ पढ़ लूँ, ये ना बारिश आ जाए और लाइट चली जाए तो कमरे में अंधेरा हो जाएगा। तो ये मैं अपनी ना बदनी पंच सूरा अल्लाह तौबा भी कर लूँ, नमाज़ पढ़ ली है, अब ये वज़ाइफ़ वगैरह हैं जुम्मे वाले दिन के कुछ, तो वो पढ़ लूँ। तो इंशाल्लाह
फिर आपके साथ मिलती हूँ। व्यूअर्स, ये आसिफ हैं, ये आ चुके हैं। तो ये देखें जी, ये चाय बनाने लगे हैं, तो चाय बनाने जा रहे हैं, क्या करूं। फिर कहते हो कि वो यूट्यूबर कैसे अमीर बन जाते हैं, सीमा ये घर कैसे ले लेते हैं। तो मैं इनको दिखा रही थी व्लॉग, दिखा रही थी पाक विलेज वालों का, नवाज़ भाई का। तो कह रहे थे कि किस तरह अमीर, ये तो तंदूर बंदा बनाता था। मैं कहा मेहनत करता था, अब ये थोड़ी कि वीडियो उसकी बीवी बनाने लगती थी तो बोलता था नहीं 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 ना 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 ना, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। तो यूँ करके तो कोऑपरेटिव होते हैं और साथ देते हैं अपनी बीवियों का कि भाई, तो ये तो ये थोड़ी है कि बंदा मुंह सजा के रखे और आप ऐसे आगे थोड़ी बढ़ सकते हैं, ऐसे लोग थोड़ी वो हमारी वीडियो को देखेंगे। बूथा सजा के ना, इतना मुंह सजा के, और ये देखें जी, तो ये देखें, हाँ बड़ी अच्छी बातें हैं ना। तो ये देखें, तो मैं तो इतनी मेहनत से इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बने लोग, तो कहते हैं कि मुझे तो, मैं इतने शौक से देखती थी व्लॉग नवाज़ भाई के, तो मैं चाहती हूँ मुझे ना वो भी शॉर्ट और, हाँ मैं लगी रहूँ, लगी रहे, तो जी हाँ मैं लगी हुई हूँ और लगी रहूँगी इंशाल्लाह। और मैं भी उस मुकाम पे पहुँचूँगी जहाँ पे आज शादिया भाभी और नवाज़ भाई है माशाल्लाह। ये वैसे तो किसी को शॉर्ट आउट नहीं देते, तो पहले भी मुझे एक यूट्यूबर ने दिया लेकिन कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। तो चलें उधर कर लो कैमरे को। तो प्यार प्यारे व्यूअर्स, मैं बंद ही कर रही हूँ, तो प्यार प्यारे व्यूअर्स तुम्हें देख भी नहीं रहा कोई। तो प्यार प्यारे व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। अल्लाह हाफिज़।